चलिए यहां पर रुचित भी हमारे साथ जुड़ गए। रुचित, इस समय का ट्रेड बताइए, दो स्टॉक्स जो आपने चुने। वेरी गुड मॉर्निंग आशा जी। इस स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे हमें लग रहा है कि अगर यहां पे कोई स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे ही स्टॉक्स को चुना जाए जो आउट परफॉर्मेंस है पिछले दो तीन महीने की मार्केट की गिरावट में। ऐसे दो स्टॉक्स है जिसमें से एक पिडिलाइट है और दूसरा एक एनआईटी टेक्नोलॉजीज है। हमने देखा है कि पिडिलाइट में भी जनवरी और फरवरी दो महीने में कंसोलिडेशन उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ है और मार्केट में काफी सारे मिड कैप लार्ज कैप में करेक्शन आने के बावजूद ये स्टॉक ने टाइम करेक्शन बताया है राधर देन प्राइस करेक्शन। तो जहां पे स्ट्रेंथ है, जहां पे आउट परफॉर्मेंस है, उसमें पिडिलाइट अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकता है। आज की गिरावट जो हल्की सी गिरावट है उसमें स्टॉक अभी सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो पिडिलाइट में खरीदारी की सलाह है 1105 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म नजरिए से 1190 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और एनआईटी टेक्नोलॉजीज, हम आईटी क्षेत्र तो देख ही रहे कि पूरा सेक्टर एज अ सेक्टर आउट परफॉर्मेंस है और विद इन आईटी सेक्टर एनआईटी टेक एक ऐसा मिड कैप स्टॉक है जो रिसेंटली जो मिड कैप आईटी करेक्शन हुआ था उसमें भी ये स्टॉक इतना करेक्ट नहीं हुआ है। तो एक आई थिंक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा तो यहां पे एनआईटी टेक में खरीदारी की सलाह है। करंट लेवल्स पे 1282 का स्टॉप लॉस रखे और नियर टर्म में 1365 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एनआईटी टेक्नोलॉजीज और पिडिलाइट ये दो ट्रेड्स है जिसमें तेजी की पोजिशन आप लेकर चलेंगे इस गिरते बाजार में। 1190 है पिडिलाइट का टारगेट और एनआईटी टेक में भी तेजी की पोजिशन आपने लेनी है। आईटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है आज पूरे बाजार के मुकाबले। शुक्रिया रुचित हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए वरुण भी जुड़ गए हैं।